हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप करता हूं आप सभी काफी ज्यादा बढ़िया होंगे एंड ऐसे ही ऑलवेज मस्त रहना, बढ़िया रहना। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम मेरठ के अमर जवान ज्योति क्रांति स्तंभ पे जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर दिए मतलब प्रज्वलित किए गए हैं और मतलब ये लगातार 3 दिन तक अलग अलग जगह किसी और कारण से दिए प्रज्वलित किए जाएंगे और वो आपको व्लॉग में ही पता चल जाएगा किस कारण से लगातार 3 दिन तक दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। और मैं आपको लगातार 3 दिन तक दिखाऊंगा कि किस किस जगह दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और किस तरीके से। और तो चलिए बिना किसी देरी के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली हम मेरठ के अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर से थोड़ा टूर करा देता हूँ। और कुछ ऐसा है शहीद स्मारक, मतलब यहाँ पे दिए प्रज्वलित किए जा चुके हैं, हम थोड़ा लेट हो गए उसके लिए सॉरी। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी भी है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे भी है। और अब मैं आपको एक अमर जवान ज्योति दिखाने जा रहा हूँ जो कि कुछ ऐसी है, और मैं इसे हाथ जोड़कर नमन भी करता हूँ। और अरे यार गिर गया। और ये हमेशा यहाँ पर प्रज्वलित रहती है। और ये है इस कार्यक्रम का बैनर जिसका नाम है एक दिया तेरे नाम जो लौट कर फिर ना आए। और ये कार्यक्रम दैनिक जागरण की तरफ से आयोजित किया गया है और यहाँ पर दिए प्रज्वलित किए जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और इस कार्यक्रम में दिए प्रज्वलित करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से मेरठ की अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक में आए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रंगोली भी बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और एक रंगोली नहीं, यहाँ तक कि दो दो रंगोली बनाई गई है जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसके किनारे पे भी दिए प्रज्वलित किए गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ मतलब किस तरीके से दिए प्रज्वलित किए गए हैं। और यहाँ पर ये भी बना हुआ है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। और पीछे से कुछ ऐसा है शहीद स्मारक, इसके पीछे पार्क भी है, मतलब शहीद स्मारक के साइड में एक्सरसाइज के थोड़े बहुत झूले भी लगे हुए हैं। और पास से कुछ ऐसा है दिए भी प्रज्वलित किए जा चुके हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पर कुछ ऐसा एक और स्थल है जहाँ पे भी दिए प्रज्वलित किए जा चुके हैं। और अब मैं आपको पास से शहीद स्मारक दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है। विनय विश्वकर्मा है, मैं इस समय मेरठ में दिल्ली रोड स्थित शहीद स्मारक पर हूँ। आज दैनिक जागरण परिवार की ओर से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम है एक दिया तेरे नाम। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने अपने देश के शहीदों, हमारे बलिदानियों, हमारे ऐसे वीर जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने मेरठ के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया हंसते हंसते, आज हमारे इस कार्यक्रम में 1965 की लड़ाई में हमारे डिफेंस कॉलोनी के शहीद हुए थे जिनका नाम था मेजर रणवीर सिंह। 1965 की लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। उनके पुत्र को हमने यहाँ आज बुलाया, उनके पुत्र डॉक्टर राजीव सिंह हैं। ऐसे ही बहुत सारे बलिदानी हमारे शहर के आज इस कार्यक्रम में आए। हम लोगों ने दैनिक जागरण परिवार की ओर से पूरे मेरठ शहर के बुद्धिजीवी वर्ग को आमंत्रित किया, जिसमें हमारे राजनीतिक लोग भी थे, हमारे सामाजिक लोग भी थे, हमारे व्यापारी वर्ग से भी थे, हमारे शिक्षक लोग भी थे, हमारे छात्र छात्राएं भी थी। उन सभी लोगों ने हमारे बलिदानियों को स्मरण करते हुए दीपक जलाकर उनको नमन किया। नमन करते हुए हम सभी ने ये प्रार्थना की कि हमारे देश के लिए ये समय अच्छा रहे। उन बलिदानियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, सभी ने दीपक जलाया। बस ये कार्यक्रम इसी तरह से अभी 2 दिन और रहेगा, कल ये कार्यक्रम
और ये कार्यक्रम लगातार 3 दिन तक चलेगा। ये कार्यक्रम लगातार 3 दिन तक होगा, इसमें कल जो है कल गुरुवार को सूरज कुंड पर होगा, उसके बाद ही आबुलेन पर। अच्छा, और मतलब 19 से 21 डेट तक ना, 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, 3 दिन लगातार हुआ है। आज 19 को ही कार्यक्रम हुआ, 20 को होगा, फिर 21 को होगा। अच्छा, तो आप सभी शहरवासी, सभी मेरठ के लोग इसमें आमंत्रित हैं। हम लोगों की तरफ से, दैनिक जागरण परिवार की तरफ से, आप सब लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप लोग आ सकते हैं अपने बलिदानियों के लिए। वो लोग शहर के, वो लोग जो हमारे बीच से चले गए, जो उस अनंत यात्रा पर चले गए, जो हमारे बीच वापस नहीं आ सकते, उनके स्मरण के लिए, उनको नमन करने के लिए हमने कार्यक्रम आयोजित किया। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। गाइज, ये था हमारा आज का व्लॉग, और कल मैं आपको मेरठ की एक जगह, मतलब मेरठ के आबुलेन के किसी एक जगह, जिस जगह दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों की कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई थी, कल उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और बस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर यार तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू दोस्तों।